साहब नमस्ते साहब। अरे ये स्कूल है क्या, डेली चले आते हो? कांस्टेबल इधर तो आना, ये जगह इंस्पेक्टर के बैठने की है, थोड़ी डिसेंट लगनी चाहिए ना, इसे साफ करो। साहब क्या हुआ? आज इंस्पेक्टर साहब का बर्थडे है, बिरयानी लेकर आ रहे हैं। नहीं, अरे ये साहब के लिए है। इतना सारा? ए साहब अभी डाइटिंग कर रहे हैं इसलिए ये कमी है, नहीं तो बड़ा टिफिन लेके आते हैं। अभी तू चुपचाप बैठ। ये क्या है, ये लेग पीस इतना छोटा क्यों है? आपके जैसा पीस नहीं है सर, इसीलिए छोटा है। मुझे सब मालूम है, लेकिन तू ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, अभी जा तू, बाद में आना। सर आपके साथ इधर घूर के मत देख, तू पीछे मुड़ के खड़े रह। ये क्या ये सब क्या हो रहा है? बस एक ही लेग पीस सर, अब तो इसे खा सकता कोई है। बात नहीं, साफ कर लूंगा सर। बिल्कुल शर्म नहीं है इसे, तेरे से ज्यादा मोटे। रुको क्यों अपनी जान देने पर तुले हुए हो, दूसरे बस में आ जाते ना। तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है कि जो ऐसे भाग के आ रहा है? घर में परिवार है कि नहीं है? ये बस छूटने के बाद दूसरी बस एक घंटे बाद आती, इसलिए भाग के चढ़ा। ठीक है, कहाँ जाना है? जाना है, 10 रुपए दो। लो ठीक से देख लो। हाँ चलो चलो। हाँ ठीक है, चलो गाड़ी निकालो। क्यों रे, गाड़ी में खड़ा होकर नाच रहा है क्या? पीछे जाके बैठना। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे बस में सीट खाली पड़ी हुई है, जाके बैठना, खड़ा क्यों है? कोई बात नहीं, मैं खड़ा ही रहूंगा। ओ भाई ड्राइवर बोल रहा ना पीछे जाकर बैठने के लिए, सुनाई नहीं देता क्या आपको? नहीं बैठ सकता ना मैं यार, क्या समझते नहीं हो तुम लोग? इधर। हाँ क्या बात है, बैठने का कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बैठता क्यों नहीं है? अरे यार मारू मत, बताता हूँ। देखो क्या है, मैंने बस का बहुत इंतजार किया लेकिन बस नहीं आई, फिर पेट में गुड़गुड़ 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 होने लगा, तभी बाजू के खेत में बैठ गया, और मैं जब बैठा था तभी तुम बस लेकर आ गए और तुमने पी 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 करके हॉर्न बजाया। कैसे पी 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 सुनकर मैं भाग कर आ गया। नहीं क्या, तो घर जाकर धो लूंगा। मेरी बात समझो यार, मैं धो लूंगा। अरे घर जाके धो लूंगा। अच्छा अच्छा यही धो लेता हूँ। नहीं चल, मैं नीचे आ रहा हूँ, मारूंगा अभी, आता हूँ। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, बेवकूफ कहीं है। अरे अरे रुको रुको, अरे मैं धो रहा हूँ, अरे मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे रुको, तुमने बोला तो मैं धोने के लिए नीचे उतर गया, कैसा आदमी है, धोने के लिए नीचे उतारा और गाड़ी लेकर। उठो आराम से। सॉरी हाँ सॉरी। इट्स ओके कोई नहीं। क्या हो गया? आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं मैं ही सीख रही हूँ, मेरी ही गलती थी, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। अरे आपके हाथ में तो बहुत चोट लगी है, रुकिए मैं कुछ लगा देता हूँ। अभी आराम हो जाएगा। अब मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हेलो हेलो, तुम क्या कर रहे हो? रुको रुको रुको, अपना हाथ देख रही हो तुम? कितनी ज्यादा शिवरिंग हो रही है। इस तरह के टेंशन में अगर तुम गाड़ी ड्राइव करोगी तो एक एक्सीडेंट और हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स कर लो। पियो ना। थैंक यू। कोई बात नहीं। अब हाँ ठीक है ना? वेट, वीडियो निकालती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक फोन करना है। हाँ चल ना। एक मिनट। इसका हमेशा का है। कबीर, मैं माँ बोल रही हूँ। कौन चाहिए आपको? हेलो कबीर है क्या? सॉरी रॉन्ग नंबर। हेलो, मैं बोल रही हूँ जी। हाँ बोलो। कबीर को सामान की लिस्ट दी है, उसमें गुड़ लिखना भूल गई हूँ, आप आते समय लेते आइएगा। हाँ मैं लेके आता हूँ ना। मैंने कबीर को फोन किया था। हाँ? एक लड़की ने उठाया था, उसने कहा रॉन्ग नंबर है। कबीर कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना, प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? मुझे ये सब सोच के बहुत डर लग रहा है जी। छी छी, क्या पागलों जैसी बात कर रही हो, हम विश्वास करेंगे तभी तो लोग विश्वास करेंगे, तुमने गलत नंबर लगाया होगा। मैंने सही नंबर लगाया था जी। ठीक है मैं उसे फोन करता हूँ। ठीक है। क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? शंभू जरा अपना फोन तो देना। क्यों? बेटे को फोन करना था। तू अपने फोन से कर लो ना। मेरे फोन में आउटगोइंग नहीं है। कैसे होगा,
जब से फोन खरीदा है तब से एक बार भी टॉपअप नहीं किया। अरे आप हर बार 10-15 रुपए का टॉपअप करवाते हैं, पैसा कमाने के बाद भी इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? वो क्या है कि ऐसे ही 10-5 रुपए इकट्ठा करके बेटे को डॉक्टरी पढ़ा रहा हूँ, कम से कम बचे पैसे से उसे जूस तो पिला सकता हूँ। तुम्हारे बेटे की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए मेरे फोन से कॉल करना है, ठीक है? लो बात करो। हेलो, कबीर है क्या? आपको कौन चाहिए? कबीर वो मेरा कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है, यहाँ कबीर वबीर कोई नहीं है। हेलो, कहा ना कबीर कोई नहीं है। मैं कबीर बोल रहा हूँ। क्या कबीर, क्या सोच रहे हो तुम? तुम कोई बड़े हीरो हो क्या? नहीं, आज सुबह ही आया हूँ। क्या आया गया, क्या बोल रहे हो, कुछ पता भी है क्या? मेरे पापा को बताऊंगी ना तो ठीक कर देंगे, फोन रखो अब। हेलो, पहले ये चेक करो कि किस नंबर से कॉल आया है तुम्हें। मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? ठीक है, आप अभी किधर हो? सम्राट रेस्टोरेंट पे। ठीक है, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे आया ये बताओ। आपके हाथ में जो बैंडेड है उसे देख लो, पता चल जाएगा। ये लो तुम्हारा फोन। सॉरी। इसमें सॉरी की क्या बात है, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। आपके फोन पर कॉल आए थे और मैं उन सब पर बहुत चिल्लाई भी थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। डैड के नाम से 4-5 बार कॉल आ रही थी। आपने कॉल अटेंड की? हाँ, डरो मत, मैंने कॉल अटेंड नहीं की। किसी लड़की के फोन पे किसी लड़के की आवाज सुन के पापा को क्या फील होगा ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। थैंक यू। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन है, ये कैसे पता चला? मोबाइल में भी मेल और फीमेल जैसी बात होती है, अपना मोबाइल चेक करके देख लो। उसके रिएक्शन से तो लग रहा था कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ है, लेकिन फिर भी देखता हूँ। ओह, मेरा नाम पता है उसे, अब भी देखो। Who are you? Who are you बोल रही है? कुछ भी याद नहीं है। ओके के गर्ल्स साइकोलॉजी उसे अच्छी तरह से पता है। अरे लेडीजों को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जल्दी ओके तो मैं नहीं कहूंगी, थोड़ा इंतजार करो। अरे ये भगवान आ गई, जब वो आती है तो सारी रोमांटिक फीलिंग चली जाती है, हाथ पाँव कांपने लगते हैं। हे भगवान, किसी तरह से मेरी जोड़ी बना दे। भगवान, मैं आपको 100 नारियल चढ़ाऊंगा अगर आपने मेरी जोड़ी उससे बना दी। रात में तो बहुत शाइनिंग मार रही थी, दिन में डल क्यों हो गई? मैंने जल्दी कर दी क्या? भगवान मान जाएगी ना? मैं यहाँ कब से खड़ी हूँ, ये ऐसे क्यों खड़ा है, बात क्यों नहीं कर रहा है? तू पागल है पूरी तरह। नहीं नहीं, मैं ही पागल हूँ जो मैं यहाँ आ गई। ओ, पूरा दिन ऐसे ही खड़े रहेगा क्या? बुद्धू बुद्धू कहीं का, मुझे ही कोई आइडिया करना पड़ेगा क्या करूँ। बात करने तो आता नहीं है इसे। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे बोलना यार, नारियल कैंसिल, भगवान ने भी मेरी मदद नहीं की। अब आओ भी जल्दी। क्या हो गया, यहाँ क्यों खड़ी हो? वो स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया है, तुम मुझे लिफ्ट दे दोगे? भैया ये कौन है? हे, माय सिस्टर हेमा। हेमा, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी कॉलेज फ्रेंड चारू। फ्रेंड है? भैया मैं आपसे सिर्फ 2 साल छोटी हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। और आपको इससे अच्छी लड़की नहीं मिली क्या प्यार करने के लिए? ए, हेमा पहले तू घर के लिए निकल। भैया मुझे डराने की कोशिश मत करो, नहीं तो सब कुछ घर पे बता दूंगी मैं। अरे रे, मेरी हेमा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की है मेरी बहन। अब मैं जो बोल रही हूँ पहले वो सुनो, तुम
घर चलो पहले। लेकिन तू? मुझे इससे बातें करनी है। हाँ कबीर, जाओ तुम। भैया अब इसने भी कह दिया ना जाने को, जाओ जाओ जाओ, हवा आने दो भैया। ठीक है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। क्या हुआ भैया, जाओ ना। हाँ जा रहा हूँ ना। ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा, वो हमारी हेमा की फ्रेंड है, उसका नाम चारू है। अरे अभी यहाँ ऐसे खड़े क्यों हो, जाओ हाथ पांव धो के जल्दी से आ जाओ, पूजा का समय हो गया है बेटा। ए, ये क्या है भैया, माँ देख लेंगी। हाँ ठीक है भैया, समझ नहीं आ रहा क्या? जाओ। नमस्ते गरुड़ा रूड़े गोला शुरु बाएंगे शर्मा बाबा हरे गेरी बाबा लक्ष्मी नमस्ते। ये लो प्रसाद, अभी आइए, ये आपके लिए, वापस आना फिर। हाँ तुम्हारी शादी जल्दी हो जानी चाहिए। हाँ हाँ तुम्हारी बात सच हो रही है माँ, शादी जल्दी होगी ना, है ना चारू? इसके अंदर एक धागा है, हाथ में बांध लो। ला, मैं बांध देती हूँ। हे माँ। हाँ माँ अभी आती हूँ। भैया इसे आप ही बांधो। हाँ। धागा अच्छे से बांधना भैया।